में मैं लेकर आई हूँ पुरुषों के लिए एक बेहद ही खास और फायदेमंद उपाय, जिससे आप अपने ढीलेपन की समस्या को और मर्दाना कमजोरी से जुड़ी हर समस्या को हल कर सकते हैं। इसी के साथ आप सिर्फ 10 दिनों के अंदर घर बैठे अपने साइज को भी इंक्रीज कर पाएंगे। पर ये उपाय क्या है और कैसे काम करता है और इसी के साथ इसे बनाना कैसे है, इन सब की जानकारी के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, वो भी बिना स्किप करें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट समय पर मिलती रहें। तो आज का मेरा जो उपाय है वो इतना ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है, जिसकी मदद से आप अपने निजी अंग की नसों को मजबूत करके एक कठोर आकार पा सकेंगे, जिससे आप अपनी संभोग क्रिया का पूरा मजा उठा पाएंगे। इसी के साथ मैं इस नुस्खे को बनाने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ, वो सभी चीज़ें आपके निजी अंग के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इनमें कई सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं जो आपके निजी अंग की कमजोरी को दूर करके आपकी मर्दाना ताकत और निजी अंग को कठोर बनाने में आपकी मदद करते हैं। अक्सर ऐसे नुस्खों को सुनने के बाद पुरुषों के मन में ये एक सवाल ज़रूर उठता है कि क्या वाकई में इस नुस्खे से फ़ायदा मिलेगा या नहीं। आप सभी का ये सोचना बिल्कुल सही है अपनी जगह पर, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल हो जाता है जो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक साबित होते हैं। लेकिन मेरे इस नुस्खे के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। इस उपाय को आप बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही इस नुस्खे को हर उम्र का पुरुष इस्तेमाल कर सकता है। ये नुस्खा हर उम्र के पुरुष के लिए बेहद ही ज़्यादा फायदेमंद और असरदार होने वाला है, जिससे वो अपनी सभी परेशानियों को ख़त्म कर पाएंगे और अपने प्रदर्शन में सुधार ला पाएंगे। और ये उपाय इतना ज़्यादा असरदार है कि एक एक करके आप अपनी हर कमी को हमेशा के लिए खुद से दूर कर सकते हैं। फिर चाहे वो कमी आपके ढीलेपन की हो, तनाव से जुड़ी हो, या फिर नसें कमज़ोर हो गई हो, या फिर आप कह लीजिए मर्दाना कमजोरी की कोई भी समस्या हो, सब कुछ ये उपाय एक ही बार में सुलझा देगा, जिससे आप एक ताकतवर मर्द की तरह अपनी बीवी को खुश कर पाएंगे। चलिए तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको इस नुस्खे को बनाना कैसे है और इसे बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा। इस उपाय को बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो आपको अपने घर में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी, जिसमें से जो पहली चीज़ है वो है सरसों का तेल, जो दूसरी चीज़ है वो है अजवाइन, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है लहसुन। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे बनाना कैसे है। अब हमें सबसे पहले एक पैन लेना है और उसमें हम लगभग 3 से 4 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। यहाँ पर मैंने 4 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया है और यहाँ पर मैं सिर्फ आपको 3 से 4 दिन का नुस्खा बनाकर बता रही हूँ, तो मैं उसी हिसाब से आपकी क्वांटिटी ले रही हूँ। अब हम इस सरसों के तेल को 30 सेकंड के लिए गर्म होने देते हैं। अब ये सरसों का तेल 30 सेकंड गर्म हो जाने के बाद आपको इसमें 1 चम्मच अजवाइन डालनी है और इसे अच्छे से चलाना है। इसे भी आप लगभग 30 सेकंड के लिए गर्म कर लें। और याद रखें, गरम आप बिल्कुल मीडियम फ्लेम या फिर स्लो फ्लेम पर ही करें, तेज आंच पर करेंगे तो ये जल भी सकता है। अब 30 सेकंड हो गए हैं, अब हम यहाँ पे जो तीसरी चीज ऐड करेंगे वो है लहसुन। यहाँ पर मैंने 4 लहसुन की कलियों को अच्छे से कूट लिया है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे। आप चाहे तो आप छोटे छोटे पीसेस कर भी डाल सकते हैं। अब हम इस तेल को अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। फिर लहसुन के जो औषधीय गुण है और अजवाइन के जो औषधीय गुण है वो अच्छे से तेल में मिल जाएं। अब आप देख सकते हैं जो लहसुन का कलर है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, यानी कि ये पक चुका है।
इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देते हैं और ठंडा होने के बाद आपको इसे किसी एक बोल में छान लेना है। जब ठंडा हो जाए तो आप इसे स्टोर कर भी किसी कंटेनर या फिर किसी भी बॉटल में रख सकते हैं, लेकिन याद रखें ठंडा होने पर ही। अब ये जो तेल है वो पूरी तरह से ठंडा हो चुका है और मैंने इसे एक बोल में निकाल दिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसे अप्लाई कैसे करना है। आपको इसे अप्लाई करने के लिए थोड़ी सी क्वांटिटी इस तरह से अपने हाथ पे लेनी है और अपनी निजी अंग पर इस तरह से मसाज करनी है। आपको इसे तब तक मसाज करनी है जब तक ये ऑयल अच्छे से अब्सॉर्ब ना हो जाए, और याद रखें अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन में ही आपको मसाज करनी है। और एक चीज का खास ख्याल रखना है कि आपको ये तेल सिर्फ और सिर्फ अपने ऑर्गन वाले हिस्से पर ही लगाना है और कहीं पर भी आपको इस तेल को नहीं लगाना है। और जैसे ये तेल अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए उसके बाद आपको एक कपड़े की हेल्प से अपने निजी अंग को लगभग 30 मिनट के लिए अच्छे से इस तरह से कवर कर लेना है और 30 मिनट बाद उसे इस तरह से पोंछ कर हटा देना है। इस तरह से आपको ये ऑयल अपने निजी अंग पर अप्लाई करना है। ऐसा कुछ दिनों तक लगातार करने से आपको खुद ही फर्क दिखने लग जाएगा। यहाँ तक कि इसे इस्तेमाल करने के पहले दिन से ही आपको फर्क महसूस होने लगेगा। आपका जो ऑर्गन है वो मजबूत हो जाएगा और साथ ही धीरे धीरे करके आपका साइज भी इंक्रीज होने लगेगा। तो ये था आज का मेरा नुस्खा। आई होप आप सभी को मेरा ये नुस्खा पसंद आया हो। और अगर आप में से और भी किसी को कोई यौन समस्या है या इस तरह की कोई भी शिकायत है तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल लगाकर अपनी परेशानियों के आयुर्वेदिक उपचार पा सकते हैं। आई होप आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। एक कमेंट करके हमें अपना फीडबैक जरूर दें ताकि हमें पता चल पाए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं और आगे आप क्या देखना चाहते हैं।